आप कौन हैं? सब लोग आपका पति कहते हैं। अच्छा, तो अंदर आइए। डैडी। ओ, मेरी प्यारी बेटी। ए नॉटी, आते आते ही सीक्रेट्स बोलना शुरू किया है क्या? Why are you so dull? ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है क्या? बहुत था। गीता, एक कप कॉफी मिलेगा? गीता, ये क्या है? कुछ नहीं, मुझे 1 वीक फॉरेन टूर जाने के लिए ऑफिस में बोला है। लो, इससे मुझे क्या लेना देना है? अरे उसे कम से कम खोल के तो देखो। क्या चाहते हो? ये मुझसे ही खोलना है क्या? What a surprise! हम फॉरेन टूर जाने वाले हैं। मम्मी, डैडी ने मुझे ये बात खाली बता दिया। तो आप दोनों नाटक कर रहे थे क्या? पूजा, पूजा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गीता, हेलो डॉक्टर मीना, मे आई कम इन? हाय कार्तिक। गीता आओ। हाय गीता। हेलो डॉक्टर। आपको देख के बहुत दिन हो गए हैं, प्लीज बी सीटेड। कार्तिक ने बोला है कि आप टूर जाने वाले हैं, एकदम एंजॉयमेंट के लिए है क्या? कार्तिक, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। हाँ डॉक्टर, श्योर। बोलिए गीता। कुछ नहीं डॉक्टर, पीरियड्स के टाइम पर मुझसे मामूली खुशी से रह नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ इरिटेशन, मूड स्विंग्स एक्सेट्रा। सो मैं डरती हूँ कि मेरी वजह से टूर एंजॉय नहीं कर सके। मैं अपसेट हूँ डॉक्टर। आजकल के जमाने में ये तो दिक्कत ही नहीं है, अच्छे ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हैं ना? यही मेरी समस्या डॉक्टर, सारे ब्रांड की नैपकिन यूज कर चुकी हूँ, बट आई एम स्टिल हैविंग प्रॉब्लम्स। आपने किस तरह के नैपकिन, आई मीन कौन से ब्रांड यूज कर रहे हैं? वही डॉक्टर, मार्केट में मिलने वाले सभी ब्रांड यूज करते हो, लेकिन जब हर बार नैपकिन यूज करती हो तब मुझे इरिटेशन, रैशेस, स्किन एलर्जी सब होता है। इसके अलावा और भी, मुझसे मेरी बेटी के साथ आराम से खेल नहीं पा रही हूँ। आपके इस प्रॉब्लम के कारण ये साधारण नैपकिन ही है, इसके अलावा आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आजकल 80% लड़कियों का समस्या यही है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़नी चाहिए। जब औरतें सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते समय एक्सपायरी डेट को ध्यान नहीं देते हैं, जब हम शॉपिंग जाएंगे तो एक फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब देखते हैं ना? क्योंकि हम खाने वाले फूड प्रोडक्ट, उन चीजों से हमारे नियति ना बर्बाद हो जाए। लेकिन आपके त्वचा से छुपे सैनिटरी नैपकिन का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कितना मुख्य है? मेरी बात सुनिए, साधारण सैनिटरी नैपकिन रिसाइकल मटेरियल से बनी है, ऐसे बनाते वक्त नैपकिन व्हाइट कलर में ही रहने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से टॉक्सिन और डायोक्सिन का ताकत ज्यादा होता है। यूएस के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ये कहते हैं कि डायोक्सिन का टॉक्सिसिटी साइनेट से भी 100% ज्यादा होता है, इसकी वजह से रैशेस, इरिटेशन, एलर्जी सब होता है। इसके साथ सर्विकल कैंसर होने के भी चांसेस है। क्या डॉक्टर, ऑर्डिनरी नैपकिन की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स है क्या? तो हम कौन से ब्रांड यूज करें? आपने ओरियन सैंजन नैपकिन के बारे में सुना है क्या? ओरियन सैंजन?
वो क्या नई ब्रांड है? हाँ, ओरियंस पिछले 9 सालों से बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके डिस्ट्रीब्यूट और मार्केटिंग कर रहे हैं। ओरियंस का मुख्य उद्देश्य लोगों का हेल्थ और वेल्थ है। मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ। मैम, ओ डेमो किट को जरा लेके आइए। अब मैं ओरियंस सैनिटरी नैपकिन के बेनिफिट्स को बताती हूँ। साधारण सैनिटरी नैपकिन में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट छपाते हैं, लेकिन ओरियंस का सैनिटरी नैपकिन में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों छपा जाता है। साधारण नैपकिन अगर कवर से निकालते हैं तो फिर उसे कवर नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से बहुत सारे कीटाणु नैपकिन के अंदर घुस जाने का चांसेस है, लेकिन ओरियंस सैनिटरी नैपकिन पैक बिल्कुल सेफ है। एक बार खुलने के बाद पहले जैसे ही क्लोज कर सकते हैं। एयरफ्लो की बात ही नहीं है, इसलिए कहती हूँ ये बिल्कुल सेफ है। साधारण सैनिटरी नैपकिन में 2 या 3 लेयर होते हैं, लेकिन ओरियंस सैनिटरी नैपकिन में 8 लेयर्स होते हैं। उस 8 हर एक लेयर में हर एक बेनिफिट है। साधारण सैनिटरी नैपकिन पुराने अखबार पॉलिथिन वुड पल्प से ही रिसाइकल करके बनाते हैं, मगर ओरियंस सैनिटरी नैपकिन प्योर कॉटन मटेरियल से ही बनाते हैं। सो नो साइड इफेक्ट्स। मैम, ये सब क्लियर करके वो यहाँ रख देना। गीता, मैं आपको डेमो दिखाने जा रही हूँ। साधारण नैपकिन को और ओरियंस सैनिटरी नैपकिन का फर्क आप ही खुद देख सकते हैं। ये देखिए, ऑर्डिनरी नैपकिन में दोनों साइड हवा अंदर जाने का गैप है। इसकी वजह से हो सकता है बैक्टीरिया, कीड़े, कीटाणु कुछ भी अंदर जाने का चांसेस है। इसका एक और बात है, ये प्लास्टिक से बनाया हुआ है। इस नैपकिन को भी रिसाइकल से ही बनाया है। अब मैं ऊपर का कवर निकालती हूँ। अब इसे देखिए, ये दोनों भी रिसाइकल प्लास्टिक है। अगर मैं फेंक देती तो भी ये डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। मैं इसे छिपा देती हूँ। ये प्लास्टिक होने की वजह से ये शरीर को बहुत इरिटेशन होता है, लेकिन ओरियंस सैनिटरी नैपकिन का विशेष ये है, इसमें प्रॉपर ओपन क्लोज सिस्टम है। इसके अलावा फूड ग्रेड कोटिंग होने के कारण नैपकिन्स बहुत सेफ रहेंगे। साथ में 3 साल एक्सपायरी डेट होने का क्वालिटी भी संभालता है। मैं अब एक ओरियंस सैनिटरी नैपकिन निकालती हूँ। महसूस हो सकता है कि इसका पैक बहुत मुलायम है। आप देख सकते हैं, इस साइड भी सील हुआ है और इस साइड भी सील हुआ है। देखिए, यहाँ भी सीलिंग है, इसलिए एयर फ्लोइंग नहीं हो सकते हैं और नैपकिन सेफ होते हैं। अब मैं एक पूरी नैपकिन को खुलती हूँ। ओरियंस सैनिटरी नैपकिन को मैं यहाँ चिपका देती हूँ। ओरियंस सैनिटरी नैपकिन को यहाँ चिपका दिया हूँ और ऑर्डिनरी नैपकिन यहाँ। साधारण नैपकिन से ओरियंस सैनिटरी बहुत सॉफ्ट है। अब मैं साधारण नैपकिन पर इंक वाटर 50 ml अप्लाई करती हूँ। इस 50 ml में कितने पानी ये साधारण नैपकिन कीन सकते हैं देखते हैं। इसके लिए मैं साधारण नैपकिन को गीला कर रही हूँ। साथ में ही और एक 50 ml लेकर अपने ओरियंस सैनिटरी नैपकिन पर अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करते समय ही देख सकते हैं कैसे ये पानी खींच रही है। और एक 50 ml लेकर ऑर्डिनरी नैपकिन पर अप्लाई करती हूँ। सब मिलकर ऑर्डिनरी नैपकिन पर 100 ml अप्लाई कर रही हूँ। इनका मतलब है कि ब्लड का डेंसिटी पानी से भी ज्यादा होता है। और एक 50 ml लेकर अपने ओरियंस सैनिटरी नैपकिन पर अप्लाई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं, दोनों नैपकिन पर 100 ml अप्लाई कर चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हाथ से दबाने पर ही पानी कैसे निकलते हैं। अब मैं एक टिश्यू पेपर लेकर यहाँ रखकर फिर दबाती हूँ। ये टिश्यू पेपर आपके त्वचा है। अपने आंखों से देख सकते हैं ये गीलापन कितना है, लेकिन ओरियंस सैनिटरी पर दबाते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता है। इसमें भी टिश्यू पेपर लगाकर दबाते हैं तो भी थोड़ा सा भी गीलापन नहीं है। अब मैं साधारण नैपकिन को एक एक लेयर पर अलग करती हूँ। अब मैं पहले लेयर को निकाल रही हूँ। हमको मिला है प्लास्टिक, इसकी वजह से इरिटेशन, ईचिंग, रैशेस हो सकते हैं। हमारे स्किन कलर को चेंज होने का कारण है ये प्लास्टिक लेयर।
अब देखिए, मैं ऑर्डिनरी नैपकिन का दूसरी लेयर भी निकाल रही हूँ। इस दूसरी लेयर क्लॉथ जैसे दिखते हैं। इसको परफ्यूम लेयर कहते हैं। ये पूरा का पूरा केमिकल है, इसी की वजह से सर्विकल कैंसर हो सकते हैं। इस लेयर की रंगीन भी बहुत कतरा है। ये हमारे शरीर के अंदर जाने का बहुत मौका है। अब मैं तीसरी लेयर को निकालती हूँ। ये भी तो वेस्ट कॉटन है, सिलिकॉन जेल। ये सिलिकॉन जेल के मतलब है, ये पूरी की पूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसी की वजह से टॉक्सिन और डायऑक्सिन की ताकत ज्यादा होता है। इस जेल से ही औरतों को ज्यादा तक खतरा हो सकता है। इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले, वजरल डिस्चार्ज और सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब मैं आपको आखिरी लेयर को दिखाती हूँ। ये लेयर भी प्लास्टिक है। ये देखिए, बलून जैसा दिखता है। ये तो नॉन ब्रीथेबल है। ये सब बनता है रिसाइकल प्लास्टिक से। इसके वजह से हो सकता है बर्बादी आपको और वातावरण को। अब मैं ओरियन सैंड नैपकिन के लेयर निकालती हूँ। इसमें फर्स्ट लेयर कॉटन लेयर है। लीकेज को बंद करने के लिए साइड्स पर प्रोटेक्शन किया गया है। ये इतना सॉफ्ट है क्योंकि ये प्योर कॉटन है। जब ये हमारे स्किन पर रगड़ता है बहुत कूल महसूस हो सकता है। ये है दूसरा लेयर। इस दूसरा लेयर में एनियन और इंफ्रारेड है। यही है 24 आवर्स इकट्ठे हुए ब्लड को निकालते हैं। इसमें लगे इंफ्रारेड हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अब थर्ड लेयर को देखें तो एयरलाइट पेपर। इस एयरलाइट पेपर हमारे स्किन के एयर फ्लो को ज्यादा करते हैं। और इसमें दो लेयर है। पहला लेयर एयरलाइट लेयर है और दूसरा कॉटन लेयर है। आपने देखा, पहले कॉटन, सेकंड एनियन, थर्ड कॉटन, फोर्थ एयरलाइट लेयर। अब देखते हैं फिफ्थ लेयर, ऑर्गेनिक जेल। ये जेल ऑलिवेरा से बनाया गया है। अब मैं इस ऑर्गेनिक जेल को हाथ में लेकर दबाती हूँ। विश्वास कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं चिपते हैं। सारी वाटर अब्सॉर्ब कर चुके हैं। तो फिर से मैं 50 ml वाटर को दूसरे ग्लास पर डालती हूँ। अब मैं ये ऑर्गेनिक जेल इसमें डालती हूँ। सो अगेन मैं सिलिकॉन जेल पर मैं इस 50 ml वाटर को अप्लाई करती हूँ। इस सिलिकॉन जेल को अब्सॉर्बिंग का कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इस डेमो के लिए 50 ml वाटर इसमें डालती हूँ। अब इस सिलिकॉन जेल को देखिए, वाटर वैसे की वैसे ही है, कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं हुआ है। लेकिन अपने ओरियन सैंडिन से निकाले हुए ऑर्गेनिक जेल ने एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कुछ भी लीकेज नहीं होता। ऑर्गेनिक जेल पानी अंदर को खींच कर बाहर नहीं निकालते हैं। देखिए, बिल्कुल चिपकती नहीं है। यही है अपने ओरियन सैंडिन नैपकिन का क्वालिटी। इसके बाद देख सकते हैं सिक्स्थ लेयर। ये सिक्स्थ लेयर भी एयरलाइट लेयर है। इसमें सेवंथ लेयर भी है, वो भी सचमुच कॉटन लेयर का है। इस पैर का एट लेयर है ब्रीथेबल लेयर, अपनी स्किन पर जोरदार नहीं देता। इसमें चार लाइन का गम होता है। अब आप समझ चुके होंगे ऑर्डिनरी नैपकिन के और ओरियन सैंड नैपकिन के डिफरेंस क्या है। ओरियन सैंड नैपकिन औरतों का सुरक्षा। गीता, ये लीजिए ओरियन सैंड नैपकिन। आप मैं सब समझ गई हूँ डॉक्टर, नाउ आई एम ऑलराइट। आपसे ओरियन सैंड नैपकिन मेरे जीवन की साथी है।